अभी भी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है, जिसके तहत पुलिस मुठभेड़ कर बदमाशों पर शिकंजा कसने में जुटी हुई है। एक बार फिर कोतवाली बागपत क्षेत्र में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने दो अधिवक्ताओं से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने सिम कार्ड, मोबाइल और एक तमंचा में कारतूस बरामद किया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया बदमाश संजू कोतवाली बड़ोद क्षेत्र की पट्टी मेहर में रहने वाला है, जो कि शातिर किस्म का अपराधी है। और उसने 6 दिसंबर को अधिवक्ता कुंवर सिंह से फोन कर 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी और उसके बाद 13 दिसंबर को अधिवक्ता चमन सिंह को फोन करके 5 लाख की रंगदारी मांगी थी और दोनों ही अधिवक्ताओं को रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। कोतवाली बागपत में दो मुकदमे लिखे हुए थे, इसमें एक संजू नाम का लड़का जो दो वकील साहबों को लगातार धमकी दे रहा था, उनसे रंगदारी मांग रहा था 5-5 लाख रुपए की। तो उस पर चूँकि बहुत दिन से हम लोग उस पर प्रयास कर रहे थे, हमारी टीमें गठित थी, सर्विलांस की टीम भी लगी हुई थी, हमारी स्वाट की टीम लगी हुई थी और थाना स्तर से भी लोग लगे हुए थे, लेकिन वो लगातार अपना स्थान बदल रहा था, लगातार वो अपने आप को हाइड करने की कोशिश कर रहा था। तो उस पर हमने 25,000 रुपये का इनाम भी किया था। पिछली रात को उसको पकड़ा गया है और उसके पास एक तमंचा भी बरामद हुआ है, तो उसके काफ़ी केसेस भी है, करीब आधा दर्जन से ज़्यादा उसके संगीन धाराओं के केसेस हैं। ये काफ़ी अच्छा वर्क हुआ है कि उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है।